पहली फिल्म कैसे और कब और कौन सी बनी? आप स्वतंत्र निर्देशक की बात करना चाहते हैं कि मतलब एज एन असिस्टेंट की बात एज ए करना चाहते डायरेक्टर हैं? सर, एज एन डायरेक्टर मैंने एक फिल्म का मुहूर्त किया था, लागलबाग करजवा में आग, वो बंद हो गई तो जाहिर सी बात है कि मतलब टूटा मेरा हौसला, लेकिन फिर भी लगा रहा कि चलो, मेरे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त थे, बोलते थे कि नहीं तुम संजय कर सकते हो, हौसला मत तोड़ो, जल्दी है। तो हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है संजय, पॉलीवुड पॉलीवुड सिनेमा आता है एक भोजपुरी के, उसके संपादक है। वो बहुत दिनों से कहा करते थे कि एक फिल्म बनाऊंगा तो सबसे पहले निर्देशक की जिम्मेदारी आपको सौंपूंगा। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक पिक्चर बनाने की तैयारी चल रही है, एक सिनेमा बना रहा हूँ मैं भोजपुरी में, जिसका नाम है यादव जी, तो क्या आप करना चाहोगे? तो मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा। बस पूरी तरह से तैयारी हुई और बन गई यादव जी। और यादव जी जब बनी थी तो मुझे नहीं लगा था कि जितने कम बजट की फिल्म बनाई थी कि इस तरह से प्रतिसाद जनता का मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिला। और एक छोटी सी फिल्म विदाउट नॉन स्टारर मैंने दो भी कंप्लीट किया है, तो थैंक्स टू भोजपुरी जनता, भोजपुरी देखने वालों, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और लगे हाथ मैंने दूसरी फिल्म कंप्लीट कर ली जिसका नाम था घुस के मारब। घुस के मारब भी 7 मार्च को रिलीज हो चुकी है, आप लोग उसे देख चुके हैं और आप लोगों का प्यार भी उसमें मिल चुका है। बस यही है सर हमारी शुरुआत। तो अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अभी परसों हमारे समीर खान जी की बर्थडे था, तो सुबह सुबह मुझे बुलाया गया, बोला भैया आज बर्थडे है और आप आएंगे तो बुलाऊँगा, और बर्थडे पे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक्चुअल होता क्या कि हम लोग बर्थडे बॉय को गिफ्ट देते हैं, लेकिन पहली बार किसी बर्थडे बॉय ने हमें गिफ्ट दिया है ये बोल के कि कसम बतौरा प्यार की एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका निर्देशक मैं आपको बना रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ और मई में मैं उसको शूट करूँगा। और अपने जहाँ पर हमारे भोजपुरी भाई, भोजपुरी बहन, भोजपुरी माँ सब रहते हैं, उन्हीं के बीच में जाके शूट करने का प्लान है मेरा, ताकि उनसे मैं कुछ सीखूं। एक बात कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि भोजपुरी में वल्गर हिट है, वल्गरिटी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या हम कभी अपने घर के कल्चर में जाके देखते हैं कि ऐसे वल्गरिटी होती है? आज हम लोग गाना डाल देते हैं देवर और भाभी का, मैं हर भोजपुरी दर्शक से, हर भोजपुरी टेक्नीशियन से, आर्टिस्ट से, कलाकार से, हीरो से एक ही बात पूछना चाहूँगा, क्या आप अपनी भाभी के ढोड़े में तेल लगाना पसंद करेंगे? बस इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा, फिर मैं मान जाऊँगा कि भोजपुरी दर्शक वाकई में वल्गर पसंद करती है। हम लोग फिल्म बनाते हैं निरहुआ रिक्शा वाला, क्या किसी भोजपुरी भाई के पास मर्सिडीज़ नहीं है, BMW नहीं है, तो निरहुआ BMW वाला क्यों नहीं बनाने की सोचते? बस ये सोच लीजिएगा, भोजपुरी सबसे ऊपर।